हेलो गाइस, क्या हाल चाल, कैसे आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में, और मैं यहाँ पे लेके आ चुका हूँ अर्थ असेंडेड का एक और नया एपिसोड आप सभी के लिए। पिछले एपिसोड में आपने देखा होगा थाइलो कोल्यू हम लोग टीम करने के लिए गए थे, बहुत गंदी तरीके से गाइस थाइलो कोल्यू ने हमारी बैंड बजाई थी। ठीक है, थाइलो कोल्यू मेरे को मार भी नहीं पाता, मैं उसको ट्रैप कर देता गाइस, बट एंड में वो पापा की परी जो स्टन करती वो आ गई, मुझे अर्जेंटिवी से नीचे उतारा, सीधा गेम ओवर, सीधा गाइस गेम ओवर, और मेरी बन गई पीटी। अभी मेरा पीटी, मेरा अर्जेंटिवीस, मेरा छोटू सब गाइस वहीं पे पड़े हुए हैं रेडवुड में, और मुझे 30 मिनट के अंदर वहां पे पहुंचना पड़ेगा, वरना पीटी जो मेरी है वो हो जाएगी गायब और मेरी बच जाएगी बैंड। अभी मैं वुल्फ को लेके जा रहा हूँ, सोचो मैं वुल्फ को लेके जा रहा हूँ, मैं उस लोकेशन पे पहुंचा, वो पापा की परी वापस आके मुझे वुल्फ से भी नीचे गिरा दी, तो फिर तो अपने लग जाएंगे यार सॉलिड वाले। ठीक है, अभी तो मैं जा रहा हूँ वुल्फ को लेके, बहुत ज़्यादा लंबा सफर है, तब तक आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो, नहीं करा होगा तो। और अगर आपको आर्क पीसी, माइनक्राफ्ट, बेडरॉक वगैरह, जावा वर्जन के सर्वर बनाने माइनक्राफ्ट के, तो निट्राइडो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से बना सकते हो, चेकआउट जरूर कर लेना। चलो आ जाओ, मैं हटो रे, जल्दी यहाँ से हटो, चल रहे गए जब हम लोग रेडवुड में, 2000 मीटर दूर जाना है। ठीक है, बाप रे, बाय 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 बाय, वाह, मैं पहले जंप मारी थी भाई, मैंने आपके सामने गाइस पहले जंप मारी, बट फिर भी कुछ हुआ नहीं यार, बताओ क्या फालतू दे, मिट दियो थोड़ा, मेरा वुल्फ एटलीस्ट खुद को हील तो कर लेगा। ठीक है, छोटू के पास जाना है मुझे, मुझे छोटू के पास जाना है भाई, जल्दी से पहुंचना है 2000 मीटर दूर। ठीक है, वो जंगल में से घूम घूम के जाना, पीटी होता तो भाई मैं आसमान से चला जाता सीधा उड़ के, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। भाग भाई, आखिरी उम्मीद बची है ये वुल्फ, इसको भी नहीं मरवाना चाहता, इसकी भी हेल्थ पहले से डाउन है। भागो 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 भागो, तुम्हारा बस क्या, तुम्हारा बस क्या, आज तो फियो में यहाँ पे फियो में मिल रहा है, कल मुझे फियो में की जरूरत थी, मुझे एक फियो में नहीं दिखाता, एक फियो में हाँ भाई, तुम ऊपर से स्टैमिना ड्रेन करने के लिए अलग से आ जाओ, पानी में पिराना जोगी, पानी में पिराना जोगी, वो अलग से आएगी, पप्पी देके चली जाएगी। यार मेरी किस्मत ही खराब चल रही है भाई, शाबाश पिराना, हमारा तो कर्तव्य है भाई, आके भाई चुम्मी देके जाना पिछवाड़े पे, आओ मार के जाओ भाई, दिन ही खराब चल रहे मेरे, तुम भी फायदा उठा लो भाई, उठा लो तुम भी भाई, चांस पे डांस मार लो। अभी इतने डायनोस को मैं घर पे कैसे लेके जाऊंगा, मुझे समझ नहीं आ रहा, इतने सारे डायनोस को मैं घर पे कैसे लेके जाऊंगा ये मुझे समझ नहीं आ रहा। रुक जाओ भाई, रुक जाओ, मैं डाल रहा हूँ तेरे हेल्थ में पॉइंट डाल रहा हूँ, मतलब हीलिंग तेरी बढ़ा रहा हूँ, रुक जा बोल, रुक जा थोड़ा, 4000 हेल्थ है तेरी भाई, 2000 हेल्थ तो भाई कम से भाई करके जाएंगे, क्योंकि रास्ते में अगर किसी ने वापस से उंगली करी वुल्फ को न्यूट्रल कर दूँ क्या, सोच रहा मैंने, रेन दो भाई, उल्टा भाई है थाइलो को लियो के बैंड ना बजा देना, 2200। ठीक है, ज़्यादा दूर नहीं जाना है, 2000 मीटर दूर रेडवुड में पहुँच चुके हैं, रेडवुड में एंट्री हम लोग ने मार दिया, रेडवुड में एंट्री हम लोग ने मार दिया, अभी ज़्यादा दूर तो नहीं है भाई हमारी मंजिल, मंजिल ज़्यादा दूर तो नहीं है, जल्दी भाई पहाड़िया बिड़िया क्रॉस कर करके चल भाई वहाँ पे, वहाँ पे पहले मेरे को छोटू बिटू को भाई सेव करना पड़ेगा, छोटू बिटू को सेव करना पड़ेगा, 1700 मीटर दूर, ज़्यादा नहीं, कारण क्या, पप्पा का घर है, पप्पा का राज इधर है, लाड में मारने आएगा तू, लाड में मारने आएगा, चीटियों की तो अलग सी सीन है यार, स्टैमिना ड्रेन करने अलग आ जाती है यार ये लोग तो भाई, रेडवुड में कुछ मिले ना मिले चीटियां और ये पापा की परियां बहुत ज्यादा मिलेगी, पिछले एपिसोड में गाइस टेम हो जाता, पता है आपको पिछले एपिसोड में टेम हो जाता भाई मेरा थाइलो कोल्यू, वो पापा की परी ने आके जो हगा है ना भाई इतना ज्यादा भाई, जो मेरे को भाई मारा है उसने, उसके रीजन से मारा गया मैं, अभी देखते क्या सीन हो रहा है वहां पर, पहले तो अर्जेंट डेविस को पैसिव करके भाई आसमान में भेजूंगा, फिर वुल्फ को मेरे पीछे लगा के अल्फा रखते हैं, बगले अल्फा है भाई, अल्फा है, अल्फा के नज़दीक भी नहीं जाना है, वो बाद में कर ले बेटा, वो बाद में कर ले, और मेरा पीछा भी बाद में कर ले, मैं आराम से भाग भाग के जा रहा हूँ, कोई दिमाग नहीं खराब करना। ठीक है, स्टैमिना रिकवर कर ले, तब तक मैं इसकी हेल्थ बढ़ा लूँ, जल्दी भाई जल्दी, 1100 स्टैमिना है इसका, रिकवर कर लेता हूँ, उतने दूर से दौड़ दौड़ के आया होगा इस रेड में, देख रहे हो स्ट्रगल, देख रहे हो तुम्हारे भाई का स्ट्रगल, देख रहे हो, चलो हेल्थ भाई हो गई है थोड़ी सी फुल,
1000 मीटर दूर और जाना है। बस वो पापा की पर अभी डिस्टर्ब ना करे यार, वापे ड्रॉप रुको, ड्रॉप लूट के जाएंगे यार, ऐसा थोड़ी उधर ड्रॉप ना लूटेंगे, ड्रॉप लूट के जाएंगे। हटो भाई बुलपंकल, इधर आ भाई, चीटिन वाला हाथ पहन लूँ मैं थोड़ा, ठीक है चलो। पानी की बॉटल मिली है मेरे को एक, चलो पहाड़ियाँ क्रॉस कर करके चलना भाई, लेकिन चलना जल्दी, 800 मीटर दूर है भाई। पापा की परी अगर वापस आई और मेरा दिमाग खाया ना उसने, सच में भाई मेरा जो दिमाग घूमेगा उसकी रीजन से वापस से ना मारा जाऊँ मैं, वो पापा की परी के रीजन से बस। पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, 600 मीटर दूर है, जा रहा मैं, जा रहा आराम से जा रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से जा रहा हूँ। 500 मीटर दूर है, आराम से जा रहे गए हम लोग। 400 मीटर ठीक है, पहुँचने वाले, स्टैमिना रिकवर कर ले भाई। यार इतनी बड़ी भी जंपड़ी मारनी थी भाई, इतनी बड़ी भी जंपड़ी मारनी थी। हाँ स्टैमिना रिकवर कर लिया है मेरे डायनोस को, मैं बोलता हूँ इधर आओ इधर, हुई हुई सुई, इनको आसमान की ऊंचाई पे भेजता हूँ ताकि एटलीस्ट बच पाए, लोग बच पाए। आते ना भाई से बर्तूत के बच्चे, पैसिव पैसिव ऊपर जाइयो, थाइलो शाबाश, आइयो आइयो, तुम्हारे लिए तो ट्रैप बनाया हमने, आइयो बेटा आइयो। अच्छा पाया हमने, ट्रैप में थोड़ी सी गड़बड़ी है, ट्रैप में थोड़ी गड़बड़ी है, थोड़ी सी गड़बड़ी है। क्या हिला तुम जब पेगो के बच्चे रे, हुई हुई क्या रे, हुई हुई क्या, रुकना भाई ना थोड़ा थोड़ा हील कर लूँ मैं अपने आप को। थाइलो आना है इधर, कोई अंदर आना है, रुक जा आना है, तू आएगा अंदर, टेंशन मत ले। बट पहले ना मुझे अपने डायनो को बाहर निकालने का रास्ता तो ढूंढने दो, इसको बाहर कैसे निकालूंगा मैं, है गाइस। पूछ तो मरने जा रहा हूँ, थाइलो की पावर पता है तेरे को, घर जाएगा तेरा बेटा। इधर से आ, इधर से अंदर आ थाइलो, थाइलो इधर आ, फॉलो कर, शाबाश शाबाश, इधर आ, थोड़ा सा पागल भी गलेगा थाइलो, थोड़ा पागल है क्या, बाहर क्यों रहा है, आ नहीं इधर, आ आ पापा की परी, इस पापा की परी को क्या बोलूं मैं, लकीली मैं बचा हुआ हूं, लकीली बचा हूं मैं, अंदर आ अंदर आ भाई, थाइलो थाइलो अंदर आ। अबे तेरी पापा ने, तूने मुझे दो बार मरवाया पापा की परी, थाइलो क्या पागल करते हैं, जरा सा पाई पागल भी गले क्या था लोगों लिए, तू हैं मीट कहां से मिला मेरे को अपने, सब पागल भी गले क्या, उल्टा गिरा था क्या बचपन में सर्प के बल, अरे ये न्यू पाथ फाइंडिंग बनाया इन लोग ने, ये न्यू पाथ फाइंडिंग है इनकी,
आओ आइयो बेटा आइयो आइयो नीचे आइयो नीचे आइयो। की भेस की है इधर से अंदर भाड़ में जा पड़े मेरी पेटी कहाँ पड़ी है मैं मरा कहा हूँ मैं मरा कौन से कौन है अर्जेंट ऊपर जाइए भाई अर्जेंट एवीज क्यों भाई क्यों नहीं चाहिए तू अलग ही सीन चल रहा है इन सब का भाई अर्जी इधर आ इधर आरजी आ जा भाई आ जा अपनी किस्मत खराब चल रही आ जा अंदर नहीं आएंगे लोग चमन है थोड़े थोड़े से चमन लोग हैं इधर फुल को उठा अलग ही स्वैग चल रहा है यार कैसे करूं मुझे समझ नहीं आ रहा गाइस कैसे उसको ट्रैप में डालूं ये नए पाथ फाइंडिंग के रीजन से है ये लोग ट्रैप में गिरने के लिए रेडी नहीं है पहली बात तो पहले तो मैं अपने देख लूं गाइस पेटी कहां पे पड़ी हुई है रुको मैं अपने पहले देख लूं पेटी कहां पड़ी है रुकना गाइस वहां पे जाके मुझे अपनी पहले पेटी लूटने दो अर्जेंट डेविस को अपनी हील करने दो ठीक है आराम से अनफॉलो मैं अंदर जाके पेटी लूट के आता हूँ मैं वीडियो देख के आ चुका हूँ मुझे पता चल गया कि मेरी पेटी कहाँ पे यहाँ पे जहाँ पे था ले बैठा आयो इधर काफी बड़े जो वुल्प से नहीं हुआ वो तो भाई पेटी ने एक पटके में कर दिया ठीक है वो ट्रैप है पहली बात अभी मेरी पेटी कहाँ तेरी बेस की है इधर आ इधर आ चल बक ठीक है मेरी पेटी कहाँ है ये मत बोलना मेरी पेटी गायब हो गई अबे यार छोटू उठ जा पेटी कहाँ है मेरी एक मिनट रुक जाओ मेरी पेटी कहाँ पे गई रुको इस पे तो सिंबल भी नहीं आ रहा अभी यार ये फालतू गिरी नहीं करना भाई उसमें मेरे पिछले 400 सालों का सामान पड़ा हुआ है मैं कास्ट रन दिया था उसने झाड़ी में ना झाड़ में स्टन पड़ा था मुझे यहाँ पे गई पे अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आइयो गाइस मेरी पेटी कहाँ है मुझे देखना पड़ेगा पहले थाइलो तो ट्रैप कर लिया मैंने बट मेरी पेटी कहाँ पे है देखो टाइम वगैरह चला गया तो पेटी गायब हो जाएगी रुकना मुझे देखना तू जल्दी से भाई कांड हो जाएंगे वरना बहुत ज्यादा गलत वाले रुको ये जो लाल पेड़ है ना इसके आगे मुझे स्टन मिला था यहाँ कहीं पे अबे मेरी पेटी गायब हो गई क्या हाय भाई नहीं यार क्या अबे मेरी किस्मत ही खराब चल रही वहां पे अल्फा रैप्टर कैसे पूछा कहां शिट मैन गया मेरा अर्जेंट भी मर गया आ जा पापा की परी तू भी मार ले भाई तूने तो सब भाई सत्यानाश करा मेरा
इसी ने मेरा सब सत्यानाश करा भाई, इसी के रीजन से आज जो भी हुआ है ना, ये इस डायनो के रीजन से हुआ है, इसके रीजन से इसने भाई बेड़ा गर कर दिया हमारा। ये मुझे स्टंट नहीं करती ना तो अभी तक थाइलो को लो टेम होता अपना, पता है? इस पापा की परी के रीजन से सब हुआ है। अरे बाप रे, तुम काम नहीं है क्या भाई? रैप्टर थोड़ा सेफ रहना, अर्जेंट विस कहाँ पे जाके मर गया है मुझे पता नहीं है, थोड़ा सेफ रहना। मैं डायनो से नीचे नहीं उतर सकता भाई। क्यों क्यों भाई, ये कौन सा नया ग्लिच है? ये कौन सा नया ग्लिच है? ये तो दबा रहा हूँ। हाँ ठीक है, पता नहीं क्या था। वुल्फ जिंदा रहना मेरे भाई, मेरे को अपनी पेटी लूटनी है। अर्जेंट विस मारा गया गाइस, खत्म, दिन भर गए उसके। मेरी पेटी गई ना तो भाई बहुत ज़्यादा दुख होता है। कहाँ पे मेरी पेटी थी? मैं आके यहाँ पे मरा हुआ, यहाँ पे। क्यों भाई, क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है गाइस? देख रहे हो, मैंने अपनी वीडियो 10 बार देखी है गाइस। मैं आके यहीं पे मरा हूँ, यहाँ पे गाइस, इधर ये घास में, इस घास में मरा हूँ मैं। बट मुझे अपनी पेटी नहीं मिल रही है। ऊपर से अर्जेंट विस भी मारा गया। मैन सच में उसकी लेवल अप करने में पता है कितना टाइम लगा था मुझे। कहाँ गई पेटी यार, इतने जल्दी तो रिस्पॉन नहीं हो सकती। 10-15 मिनट लगे क्या? 25 मिनट का टाइम होता है तो पेटी रिस्पॉन होने का। हट यार, इतने घास से ऊपर से तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पे, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। ये मिड कैसे आ गया ऊपर से मेरे उसके अंदर? इतने घास पूसे होगी भी तो भी दिखाई नहीं देगा। वो लिख के भी नहीं आ रही ना कि यूर डाई ईयर करके, वो लिख के भी नहीं आ रहा। मैं FF दबाए जा रहा हूँ, क्या पता मुझे मिल जाए गाइस, तो मैं भाई उसको वो कर लूँ, डायरेक्टली ओपन कर लूँ। यहीं पे मराओ भाई, पक्का सोड़क का मैं यहीं पे मराओ। मैं यहाँ से उसको ऐसे लेके जा रहा था, यहाँ पे पीछे मैं देखता हूँ, पीछे कहीं पे बैठी हो मेरी? नहीं नहीं गाइस, नहीं है गाइस। हट यार, गया गाइस सारा सामान, गया A to Z सारा सामान गया मेरा। एक मिनट रुक जाओ, मैंने पेटी उठाई तो थी ना, हाँ पहली बार जब आया था तो पेटी तो उठाई थी मैंने। लग गया गाइस हमारे पेटी पावड़े, क्यों पागल भी गले क्या? इधर आ, पागल है यार ये सच में। इकलौता एक फ्लायर बचा है, वो भी कांड कर रहा है अभी। बेस की आंख, थालो ट्रैप कर लिया मैंने, वैसे थालो ट्रैप कर लिया उसको भाई। भुक्के मार के तो नॉकआउट नहीं कर सकते, सिंपल सी बात है गाइस, उसको भुक्के मार के नॉकआउट नहीं कर सकते ना। ओके भाई नीचे गिर जाओ, वुल्प को घर पे लेके जाना और पीडी को घर पे लेके जाना। चलो आ जाओ, आज तो यही काम है अपना। अर्जेंट विस मारा जा चुका है, खत्म, टाटा बाय, गुड बाय हो गया सब। रास्ते पे आ गया, पूरा रास्ते पे आ गया गाइस, खत्म हो गई पूरी कहानी। आई अभी मार ले, तू भी मार ले भाई, तू भी मार ले, आ जा मार ले। क्या है भाई, सबने तो मारा है भाई, तू भी आके मार ले। जा रहा होगा इस घर पे, अभी घर पे जाते जाते हैं। ओ यस, गुल्प का गेम ना बजा दे बस, ठीक है। हटो यार, दिमाग घुमा पड़ा मेरा। जाओ रे भाई टेरर बढ़ के बच्चों, दिमाग नहीं खाओ अलग से। निकल रहा हूँ यहाँ से बाहर, निकल रहा हूँ, रुको मैं यहाँ से बाहर निकल रहा हूँ। कैसे भाई हो सकता है, मेरी पेटी भी चली गई सारी की सारी, रैप्टर्स को मार के, अल्फा रैप्टर्स को मार के जो चीज़ें मिली थी सारी चली गई।
तगड़ा वाला आर्मर गया, बुलेट्स गई, क्रॉसबो गई, सब चला गया, सब ए टू जेड चीज है, पूरा नंगा हो गया, रस्ते पे आ गया। अर्जुन डेविस मारा गया ऊपर से, क्यों? क्योंकि एक छोटी सी पापा की परी ने मुझे उस शाम पे आके स्टन कर दिया, उस रीजन से। ठीक है, उसको मन करा कि आके मुझे स्टन कर ले, उसने आके स्टन करा और मेरे लग गए बहुत गंदी तरीके से, बहुत गंदे वाले लग गए मेरे पास, खत्म। वो पापा की परी सोचो नहीं आती, मैं उसको ट्रैप में डाल देता, अभी तक मेरे पास थाइलो को ले होता, एक वो पापा की परी के रीजन से। यार सच में बहुत बुरा तो लग रहा है, बट मैं क्या करूँ क्या बोलूँ मुझे खुद समझ नहीं आ रहा। अभी इनको भाई पहले सेफ घर पे पहुँचा दूँ, फिर थोड़ा सा मन को शांति मिलेगी, ठीक है, फिर सोचते आगे क्या करना है, क्या प्लानिंग बनानी है, ठीक है, फिर सोचते आगे क्या प्लानिंग बनानी है। अभी तो मेरा दिमाग नहीं चल रहा, मेरा अर्जेंट डेविस को अल्फा रैप्टर ने चुम्मी देके मार दिया है। अभी ये एक इकलौता फ्लायर बचा हुआ है, इससे मैं भाई इस थाइलोकोलियो को टेम करने के लिए आ सकता हूँ यहाँ पे, बट मुझे लॉन्गनेक भी बन जाएगी, डार्ट वगैरह बनाना बहुत तुड़क जाम वाला काम रहेगा। बाकी सारी चीज़ें मेरी जा चुकी है, किधर जा रहा भाई, मुझे जाना इधर है। एक तो इतना ज़्यादा भाई यहाँ पे जंगल एरिया है ना, समझ नहीं आता कहाँ से किधर कैसे जाना है, ठीक है, कुछ समझ नहीं आता है, पूरा कन्फ्यूज़ हो जाता है इंसान। ठीक है, वो रहा रेडवुड ना, ये रहा अपना रेडवुड, यहाँ से जाना है। इतनी ज़्यादा घास फूस डाल दिए, जंगल विंगल डाल दिया ना इन लोगों ने, कुछ समझ नहीं आता कहाँ पे कैसे जाना है। अगर ये पीटी भी मराना तो फिर ख़त्म है फिर अपनी कहानी। ये पीटी है इसलिए थोड़ा सा जो है ना गाइस मुझे शांति मिल रही है, आप में अटक गया भाई, तुम मरवाना चाहते हो मुझे समझ में आ गया भाई, तो मेरे आखिरी बुल्प को और पीढ़ी को भी मरवाना चाहते हो चमन के मॉल। चलो थोड़ा ओपन एरिया में तो एटलीस्ट आ चुका हूँ, यहाँ से भी घर तक पहुँचना है, सफर में बने रहना गाइस, कभी भी कहानी में ट्विस्ट आ सकते हैं और कभी भी हमारी पेटी बन सकती है, ठीक है, सफर में बने रहना जब तक मैं घर तक नहीं पहुंचता हूँ। बहुत लंबा और बहुत ज़्यादा थकाने वाला सफर है, इसकी क्या रे हीरो बन रहा है ज़्यादा। ये कारनो बिरनो की तो बैंड बजा दूँ मैं यार, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कारनो बिरनो की बैंड बजा दूँ मैं, दो ढाई हज़ार इसकी हेल्थ कर रहा हूँ, पीटी बच जाए बस, अल्फा बिल्फा रैप्टर फिर कोई हमला ना करे। चलो क्यों भाई, क्यों उसको मार रहा है तेरे को साढ़े, क्यों क्या बिगाड़ा है उसने तेरा, आराम से तो चल रैप्टर देख, ये देखो आराम से चल के जा रहा है, वो अपना कर रहा है, आराम से जा रहा है, नहीं भाई मारेंगे हम लोग। अरे भगवान, ये अलग प्रॉब्लम। चलो भाई देखते क्या होता है अभी। ठीक है भाई, स्टैमिना चलो आगे बढ़ता हूँ। मुझे ये समझ नहीं आ रहा, ये मेरे इन्वेंट्री में जो कुक्ड मीट था वो मेरे वुल्फ के इन्वेंट्री में कैसे आया। ओ वो मेरा कुक्ड मीट चोरों ने चुराया था पहले, ओ समझ गया, और मैंने जब वो चोर को मारा तब मेरे इन्वेंट्री में आ गया, समझ गया। एक मिनट रुक जाओ, मेरी पेटी मैंने उठाई थी क्या, रुको मुझे एक चीज देखने दो, रुको। A few moments later. मैंने गाइस पीछे जाके मेरी रिकॉर्डिंग चेक करी, उससे मुझे ये पता चला, अगर आप भी जाके अच्छे से देखो तो आप ये नोटिस करोगे, जैसे ही मैं अपने पेटी के पास गुल्प को लेके पहुंचा था, जैसे ही मैं वहां पे पहुंचा वैसे ही वो पेटी गायब हो गई थी। अगर आप स्लो मोशन में वहां पे देखोगे तो वहां पे कुछ भी पेटी वगैरह मेरी दिखाई नहीं देगी, जहाँ पे वो ब्लैक सिंबल नहीं दिखता यू लास्ट डाई ईयर, जैसे मैं वहां पे पहुंचा वैसे ऑन द स्पॉट मेरी पेटी डिस्पॉन हो गई थी, समझ रहे हो गाइस। मतलब 15 मिनट का कुछ कूलडाउन लगा होगा, क्योंकि मुझे 15 मिनट तो भाई मेरी पेटी के पास भाई पहुंचने के लिए लगे थे, सो आई थिंक से अभी पेटियाँ जो है वो 15 मिनट के बाद खत्म हो जाती है, स्वाह हो जाती है, तो मुझे
जितने ज्यादा हो सके उतने ज्यादा फ्लैट स्टेम करने पड़ेंगे अभी, ठीक है? देखता हूँ, चलो पहले तो मैं थाइलो को ले पकड़ लूंगा। थाइलो को मैंने ट्रैप कर रखा है, घर पे जाके एक लॉन्ग नेक बनानी है, थोड़े कपड़े बनाऊंगा, डार्ट्स बनाऊंगा, होपफुली मैं डार्ट्स बना पाऊँ, ठीक है? एंड फिर उम्मीद कर रहा हूँ सब कुछ अच्छे से हो जाए। जंगल से जाना है, रैप्टर से भाग भाग भाग, रैप्टर, मैं उस रैप्टर से पंगे लेना बिल्कुल नहीं चाहूँगा। मुझे अपने पीढ़ी को इकलौता फ्लायर बचा हुआ है, और अगली बार अगर मर जाता हूँ तो जितने ज़्यादा जल्दी हो सके डायनो को बचाने से ज़्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगा हमारी पेटी लूटना, ठीक है गाइज? मुझे अपनी पेटियाँ लूटनी है। ये जो पीढ़ी है ना, मेल फीमेल होगा, देखता हूँ मैं, और उसको अपोजिट जेंडर में टेम कर लूँगा, एक थाइलो को टेम करने के बाद, ताकि इनका ब्रीडिंग करा के मैं बेबी पीढ़ी निकाल सकूँ। और ऐसे ही कर करके हमारे पास पीढ़ी की एक आर्मी बड़ी सी मैं क्रिएट कर लूँगा, ताकि मुझे जो है ना गाइज फ्यूचर में सेम प्रॉब्लम फेस ना करनी सके करनी पड़े। सब कुछ चला गया यार, लिटरली हर एक चीज चली गई जो मेरे पास थी, हर एक चीज, समझ रहे हो गाइस? हर एक चीज चली गई हमारी। अर्जेंटेविस, हमारे जिगर का टुकड़ा, वो भी मारा गया यार। उसको तो टेम कर सकते मैं भी, बट अभी हाई लेवल का मिलेगा नहीं मिलेगा कुछ पता नहीं, कोई आइडिया नहीं है। मैं कहाँ जा रहा हूँ मुझे कुछ आइडिया नहीं है, बस मैं सीधा बड़े जा रहा हूँ इस जंगल में घने, वो एपीपी मोड पे चलाता हूँ, थोड़ा बेटर व्यू आएगा। चलो कुछ ज़्यादा ही घना भाई जंगल है, मैं सीधा सीधा अपने भाई जो है ना इस घर की तरफ बड़े जा रहा हूँ, 1600 मीटर दूर और जा रहा है। अभी जाके मैं रेडवुड वाले एरिया से बाहर निकला हूँ। वाह वाह भाई वाह, यहाँ पे तो अल्फा रैप्टर्स का भी सामना करना पड़ेगा फिर। हाय हाय, ये कहाँ रह गया? अब ये कहाँ रह गया? मारा गया क्या ये भी? ये भी मारा गया ना, अर्जेंटिफिस मारा गया। अबे बावड़ी पूछे क्या पीढ़ी तू, जरा पागल भी गले क्या? एक तो इतनी मुश्किल से तेरे को बचा के लेके आ रहा हो, तू फालतूगिरी कर रहा है यार। चल जल्दी थेरियर, रुक स्टैमिना फुल कर लो, मैं दौड़े दौड़े जाऊंगा, तुझे फॉलो करके आना है भाई, पहले बता रहा हूँ मैं, फॉलो करके आ जाना बस। तेरी की भैंस की आँख, तेरे को मार गोली, चला जा फॉलो करके आ फॉलो करके, जल्दी 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 फॉलो कर करके आ जा पीछे पीछे। मैं जंपे जंपे मार मार के जा रहा हूँ, या आई थिंक से पेड़ पीड़ में अटक गया होगा बेचारा। जल्दी आ रहा है ना, आ रहा है। 1000 मीटर दूर जाना है हम लोग को अभी, और अभी तक तो सब कुछ ठीक ही है गाइस, दिख नहीं रहा भाई ना। कितना मीटर? 900 मीटर दूर जाना है शायद से, हम लोग घर के काफी ज्यादा नजदीक आ चुके हैं। पीढ़ी आते रहे भाई, आते रहे भाई, तू आखिरी बचा हुआ यार मेरा फ्लायर, तू भी चला गया तो भाई कैसे होगा? एक तो मैंने सारी चीजें अपनी गवा दी है, नंगा हो गया हूँ, क्या फायदा हुआ गाइस बताना? इतने दिन से ग्राइंडिंग करके अल्फा डायनोस को मार के कुछ फायदा नहीं हुआ, सब कुछ खत्म भाई, सब कुछ खत्म हो गया। पहुंच गया, हाँ फाइनली सांस में सांस आ गई। चलो घर पे चलते हैं, और अगले एपिसोड में लॉन्ग नेक और डार्ट्स वगैरह, गन पाउडर वगैरह, काफ़ी सारी चीज़ें बनाएंगे। रुको अभी जाके स्पार्क पाउडर बनाने के लिए डालता हूँ मैं पहले। फाइनली गाइस घर पे पहुँच गया मैं, आ जाओ यार। काफ़ी बुरा लग रहा है गाइस, आरआईपी अर्जेंटिफिस नीचे कमेंट में ज़रूर लिख देना, ठीक है? आरआईपी अर्जेंटिफिस ज़रूर लिखना नीचे कमेंट में। दो एपिसोड से थाइलो को टेम करने की कोशिश कर रहे हैं, बट इस एपिसोड में कुछ ज़्यादा ही नुकसान हो गया हमारा, हद से ज़्यादा नुकसान हो गया, क्या ही बोल सकते हैं। चलो रुकना गाइस, इसको ऊपर लेके जाता हूँ मैं, इसने कुछ ज़्यादा ही डायनोस को मारा है, हाइट देख रहा हूँ इसके इन्वेंटर में कितना है। मैं थाइलो का सैडल जो है ना गाइस, वो साथ में लेके जाने की ट्राई करूँगा, ठीक है? जैसे मैं इसको लेके आया हूँ ना फॉलो करा करा के वुल्फ के पीछे, वैसे थाइलो के पीछे अपने
पीडी को लेके आ जाना आना पड़ेगा फॉलो कर करके मुझे, ठीक है, क्योंकि पीडी जो है गाइस उससे हम लोग भाई उठा बिठा नहीं सकते ना अपने सारे लोगों को, तो फॉलो करके लेके आना पड़ेगा। आ जा मेरे भाई, आ जा बैठ जा, बैठ जा आराम से, तू ये आखिरी बचाव है भाई, पूरा नंगा हो चुका हूँ रस्ते पे आ गए गाइस, पूरा नंगू पंगू हो चुका हूँ, खुद के लिए आर्मर वगैरह भी बनाऊँगा। पहले तुमको स्टोन दूँ क्या? स्टोन देता रुको, स्टोन देता, अभी तो भाई भर भर के स्टोन उठा सकता हूँ मैं, क्या है ना अभी तो मैं ओवरवेट भी नहीं हूँ, सारा सामान चला गया है, रस्ते पे आ चुका हूँ, हर एक चीज़ चली गई यार, हर एक चीज़ गाइस, कैसे हो सकता है यार किसी के साथ ऐसे, हर एक चीज़ चली गई, पूरा नंगू पंगू हो गया गाइस, रस्ते पे आ गया। चल कोई ना, एक लॉन्ग नेक बनाएंगे वापस से, सारी चीज़ें इकट्ठा करेंगे, अपने गलती से थोड़े सा तो हमको सबक मिल चुका है, ओके सबक तो थोड़ा मिल गया है, चारकोल डालना है यहाँ पे, रुको चारकोल भी डाल देता हूँ, रुको चारकोल डाल देता हूँ भाई, ये यहाँ पे डाल दो, ठीक है चारकोल डाल देता हूँ, रुको चारकोल है भाई, चारकोल चाहिए, चारकोल डाल देना है मुझे वहाँ पे, चारकोल सो, चारकोल डाल के गन पाउडर बना लेनी है, ताकि मैं भाई थोड़े से सिंपल एमो बना के डार्ट वगैरह बना सकूँ। भाई दियो चारकोल दियो, 77 92, यहाँ पे वुड वगैरह भी डालना है, वो सब कुछ करेंगे हम लोग आने वाले एपिसोड में, अभी तो यहाँ पे सबसे पहले गन पाउडर बना लो, भर भर के गन पाउडर बना लो, रुको भर भर के गन पाउडर बना लेते हैं। चलो गाइस गन पाउडर स्पार्क पाउडर बनाने के लिए डाल दिए, वेपन्स वगैरह अगले एपिसोड में बनाएंगे, अभी के लिए आज का एपिसोड यहीं पे खत्म होता है, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय गाइस, सी यू लेटर, RIP अर्जेंट भी जरूर लिखना नीचे कमेंट करके, मिलते हैं अगले वीडियो में। यार बहुत दुख लग रहा है यार, बहुत नुकसान हो गया हमारा, गेम भी सेव कर लो रुको, चलो बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में गाइस। All day and all night, we'd stay up, it felt so right. We were so young, we were so dumb, we would get drunk.